हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ये दिखाने के लिए तुम लोगों ने मुझे मूवी से यहाँ तक बुलाया। भूमि, अब तू ही इसे बता कि आगे क्या होगा। अजीब सा घर है ये। जल्दी से काम खत्म करके निकलना होगा यहां से। चाहिए चाय, पानी या जूस? नहीं नहीं, कुछ नहीं। आरती जी, चलिए जाने का टाइम हो गया। कहाँ आप कहाँ ले जा रहे हो रामू काका? इतने सारे सवाल मत पूछिए, खामोश रहिए और मेरे पीछे पीछे चलिए। मैं यहाँ आपके ऑर्डर सुनने के लिए नहीं हूँ। आपको जाना है, फौरन चले जाइए, कोई जबरदस्ती नहीं है। अच्छा बताइए कहाँ जाना है? आप मेरे पीछे पीछे चलिए। यहीं पे खड़े रहो और मेरा इंतजार करो। फिर कब तक? जब तक मैं वापस ना आऊं। और सुनो, यहीं से कहीं जाना नहीं। कौन है?
कौन है वहां पे? कौन है? यार अब तक आई क्यों नहीं? एक लड़की के वहां जाने से इतना सब कुछ सोच रहे हो तुम लोग? हाँ, और ये सब जो तुम लोग सोच रहे हो ना यार, इनमें से कुछ भी बात सच नहीं है। अरे मर्डर, वो भी मेरे जीजा जी? रियली? मैं सच कह रही हूँ, पिछले एक हफ्ते से मैंने दो लड़कियों को वहां अंदर जाते हुए देखा। देखिए अगले दिन ही उनकी मौत होगी, वो भी अजीब तरीके से। देख त्रिशा, प्लीज बुरा मत मान, हम दोनों को ऐसा लगता है कि तेरे जीजा जी का हाथ है इन सब के पीछे। एक सेकेंड। अभी देखा तुम लोगों ने? हाँ, अरे यार वो गई ना सही सलामत वो लड़की। और तुम लोग क्या चाहते हो? तुम लोग जीजा जी को फंसाना चाहते हो? हाँ नहीं त्रिशा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुझे याद है तूने एक बार मुझे एक बात बताई थी, तेरी दीदी के मरने के बाद तेरे जीजाजी कुछ बदल से गए, तुझसे बात भी नहीं कर रहे। इनफैक्ट उस इंसिडेंट के बाद तू तो कभी उनके घर भी नहीं आई। यार बदलने का मतलब ये नहीं होता है ना कि वो साइको किलर बन गए। ओके, तुम्हें एक बात माननी पड़ेगी कि दोनों की मौत कोइंसिडेंस नहीं हो सकती, जो इस घर में आने के बाद अगले दिन ही मर गए। त्रिशा, हम दोनों ना सीआईडी को इन्फॉर्म करने वाले थे, लेकिन हमने ये सोचा कि पहले तुझे बताना जरूरी है। तुम्हारे कहने का मतलब है कि आज जो लड़की उस घर से निकली है वो कल अजीब ढंग से मर जाएगी, और उस लड़की का मर्डर तेरे जीजा जी करेंगे? इसे बिल्कुल उसी तरीके से मारा गया है जिसे पिछले दो लोगों को मारा था। इसके भी शरीर से पूरा खून निकाल लिया गया है। इसके गले पे भी ठीक वैसे ही निशान है जैसे पिछले दोनों बॉडीज के गले पे थे। सर मैं तो कहता हूँ ये किसी वैम्पायर ने किया है। वो अपने बड़े बड़े नोकीले दांत गर्दन में गाड़ के जैसे हम लोग कुछ पीते ना वैसे खून पी जाता है। सर सर मैंने किताब में पढ़ा था। सर ये किचन। किचन वो भी जला हुआ है, या तो इस लड़की का हो सकता है या फिर खूनी का। अच्छा इस किचन के बारे में पता करो, शायद खूनी के बारे में पता चल जाए। सर साहब साहब, कल रात वाली लड़की आरती, क्या हुआ उसे? सीआईडी को लाश मिली है उसकी। जीजू कहाँ है? हाँ जीजू, 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 जीजू। अरे त्रिशा तुम सरप्राइज, तुमने बताया नहीं, फोन भी नहीं किया। हाँ जीजू, दरअसल कुछ जरूरी काम आ गया था, इस वजह से यहाँ पे आ गई। अब तुम बैठो, मुझे एक अर्जेंट काम है, मैं अभी खत्म करके आता हूँ। हाँ हाँ नो प्रॉब्लम जीजू, कैरी ऑन कैरी ऑन।
साहब आपको एक बात बतानी है। इसे भी अभी आना था। हमें किसी तरह तेजा को यहां से भगाना पड़ेगा। मैं काम करता हूं, नीचे की प्रॉब्लम सॉल्व करके आता हूं, ठीक है? मैं भी आता हूं। नहीं नहीं, तुम यहीं रखो, उन पे नजर रखो। ले लो, तुम हमारे साथ। ये कहां जा रहे हैं यार? मुझे रामू काका एक ग्लास पानी मिल सकता है? एक्चुअली बहुत तेज प्यास लगी है, प्लीज। देख मैं तुझे बोल रही हूं, कुछ तो गड़बड़ है यहां पे। ये सब के सब मिले हुए, कल रात हमने जिस लड़की को देखा था वो भी दूसरों की तरह मारी गई। यार मुझे ना तेरी बातों पे पहले ही बिलीव कर लेना चाहिए था, पर तुझे पता है प्रॉब्लम क्या? प्रॉब्लम ये है कि पुलिस के पास जाने से पहले मुझे इसी घर से सारे सबूत इकट्ठे करने पड़ेंगे, वो कैसे करूंगी? मेरे पास एक आइडिया है। क्या? रामू काका का ध्यान मैं भटकाऊंगी। अरे पर कैसे? तू रुक। क्या क्या कह रही? क्या कर रही तू? ये क्या कर दिया तुम लोगों ने? जानते हो यहां सब कितने कीमती सामान है? रामू काका, हम तो घर देख रहे थे, वो गलती से हाथ लग गया। अगर सांप को पता चला तो हंगामा खड़ा कर देंगे। I'm sorry रामू काका, वो गलती से। बॉस, इसके हाथ पे जो निशान है जरा गौर से देखो, बात समझ में आ जाएगी। दरअसल एक इंजेक्शन का निशान है। इंजेक्शन मतलब पहले से इंजेक्शन देकर बेहोश किया गया और फिर इसका खून निकाला गया। राइट। पर सर ऐसा काम तो कोई हवा नहीं कर सकता। सर उस टूटे हुए किचन का पता चल गया है। क्या पता चला है? सर वो लोगो पेगासस नर्सिंग होम का है और वो किचन सिर्फ वहाँ के एम्प्लॉयज को दिया जाता है। उस नर्सिंग होम के मालिक डॉक्टर कार्तिक हैं, जो एक बहुत ही मशहूर प्लास्टिक सर्जन है। डॉक्टर कार्तिक, प्लास्टिक सर्जन, पेगासस नर्सिंग होम। यहीं पे तो गए थे ये लोग, यहां से कहां चले गए?
कौन है? कौन है यहाँ? ये जगह मैंने आज तक नहीं देखी यहाँ पे। ऐसा क्या है यहाँ पे जो ये लोग छुपा रहे हैं मुझसे? तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो दरअसल मैं भटक गई थी तो गलती से मैं यहाँ पर आ गई। शान, आवाज कैसी यहाँ पे? मेरे ख्याल से तुम्हें और तुम्हारे दोस्त को अब यहाँ से जाना चाहिए। यहाँ पर किसी को आने की इजाजत नहीं है क्योंकि ये जगह खतरे से खाली नहीं है। नहीं, वो उनके कहने का मतलब ये है कि घर का ये हिस्सा बहुत पुराना है और यहाँ पड़ी चीजें पुरानी भी हैं और टूटी हुई हैं, तुम्हें चोट लग सकती है, इसीलिए हम यहाँ पर किसी को आने नहीं देते। अब तुम जाओ, मुझे भी तैयार होना मीटिंग के लिए, जाओ। नहीं, मैं आज इसलिए आई थी कि मैं आपके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर पाऊँ। तुम मेरे साथ वक्त स्पेंड करना चाहती हो ना, तो हम कल दिन में मिल सकते हैं। लेकिन आज रात को तुम अपने दोस्त के यहाँ रहो, सुमन के यहाँ पर। प्लीज मुझे साहब, मैं इन्हें सुमन के घर ले जाता हूँ। हाँ, यही ठीक रहेगा। जाओ दिशा। बार बार सिद्ध मत करो। जाओ। डॉक्टर कार्तिक जी, हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? पर यहाँ कैसे? हम आपसे इस किचन के बारे में कुछ जानने आए हैं। तो ध्यान से देखिए इस किचन को, पहचानते हैं इसे आप? ये किचन तो मेरे हर एक एम्प्लॉय के पास होगा, लेकिन बात क्या है? ये किचन हमें एक लाश के पास से मिला है। लाश? पर लाश के पास किचन कैसे मिल सकती है? यही जानने के लिए हम लोग भी आपके पास आए। हो सकता है ये खूनी आपके कंपनी यानी आपके नर्सिंग होम से कोई हो। आपका किचन देख सकते हैं? वो किचन मेरे ड्राइवर के पास है, वो गाड़ी लेकर गए हैं, अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। क्या आप इन तीनों में से किसी को भी पहचानते हैं? कौन है ये लोग? इन तीनों का खून हुआ है। जी नहीं, मैं इनको नहीं जानता। ये लीजिए रामू का कागज। सर, गाड़ी की चाबी दिखाएंगे? दे दो रामू का, ये लोग सीआईडी से। किचन तो एकदम ठीक ठाक है, इसका मतलब खूनी कोई और है। एनीवेज, थैंक्स फॉर योर टाइम एंड कोऑपरेशन। थैंक्स। साहब, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है साहब। क्या? आपकी साली अपने आप से नहीं आई थी, उसे बुलाया गया था। क्या? जब मैं उन दोनों को छोड़ने गया था तो मैंने देखा। मतलब इस भूमि को हमारे बारे में पता चल गया है। मुझे भी ऐसा ही कुछ लगता है साहब।
साहब, आपको इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा। वरना ये लड़की सब गड़बड़ कर देगी। सर, इन तीनों लड़कियों में एक चीज कॉमन है, ये तीनों लड़कियां अल्टरनेटिव हीलिंग यानी कि दवाइयों के अलावा किसी और तरीके से बीमारी को ठीक करने में यकीन करती थी। शायद तुम्हारा मतलब है जड़ी बूटियां, ध्यान लगाना, योगा वगैरह। यस सर। फिर भी जो कुछ भी हो, इन तीनों खून का डॉक्टर कार्तिक के साथ कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। सर, हमने पता किया, ऐसा कोई कनेक्शन मिला नहीं। ये कैसे हो सकता है? कनेक्शन नहीं कैसे हो सकता है? अगर ऐसा है तो फिर वो चाबी, पेगासस नर्सिंग होम की चाबी आरती के लाश के पास कैसे आई? सर, बिल्कुल इसी तरह के कीचेन डॉक्टर कार्तिक की वाइफ दीप्ति को भी दिया गया था सर, लेकिन सर उसकी तो मौत हो गई थी एक साल पहले एक्सीडेंट। दीप्ति कार में मौत, गाड़ी पहाड़ी से नीचे गिर गई, गाड़ी में आग लग गई, उसी आग में दीप्ति भी जलकर मर गई। कोई और बात नहीं थी, सिर्फ एक्सीडेंट ही था। जरा वो किचन देना तो सर। जला हुआ है, कहीं ये दीप्ति का तो नहीं? अगर ये किचन दीप्ति का है तो फिर हादसे वाली जगह पे कैसे पहुंचा, और वो भी एक साल बाद? वही तो। हेलो, क्या कहां? ओके सर, एक और लाश मिली है। सर, ये मेरी फ्रेंड है सर, भूमि। सर दरअसल भूमि ने भी बताया था कि वो लड़कियां जिनका खून हुआ था वो डॉक्टर कार्तिक के घर पे गई थी और सही सलामत भी वहां से निकली थी, पर उसके उसके अगले दिन ही उनका खून हो जाता था। तो ये भूमि भी डॉक्टर कार्तिक के घर गई थी क्या? नहीं नहीं सर, सब मुझे लगता है कि डॉक्टर कार्तिक को पता चल गया था कि भूमि ने हमें सब बताया, और कल रात को रामू काका को हम पे नजर रखते हुए मैंने देखा था। ये भूमि के अलावा जो भी लड़कियां डॉक्टर कार्तिक के घर गई थी और जिनका खून हुआ है, ये सब के सब डॉक्टर थे, मतलब अल्टरनेटिव हीलिंग से जुड़ी हुई थी, है ना? एक डॉक्टर के घर पे इस तरह के डॉक्टर्स का जाना क्या मकसद हो सकता है? ये डॉक्टर कार्तिक कुछ बीमार बीमार थे क्या? सर, मैंने पता लगाया है, उसके बाएं पैर में कुछ तकलीफ थी। सर, जब मेरी बहन मारी गई थी तो डॉक्टर कार्तिक भी उसी गाड़ी में थे, और खाई में गिरने से पहले उन्होंने गाड़ी से छलांग मार दी, जिसकी वजह से उनके पैर में चोट आई थी और वो आज तक कभी नॉर्मल नहीं चल पाए। अच्छा, तो शायद इस वजह से डॉक्टरों का आना जाना है उनके यहाँ। एक डॉक्टर से हम भी मिलवा देते हैं उन्हें। मिस मेलनी, यू मस्ट बी मिस्टर कार्तिक। जी, मैं ही कार्तिक, और ये रामू काका। मैंने सुना है आप जड़ी बूटियों से दवाइयां बनाती हैं। जी हाँ, मैं जड़ी बूटियों को गर्म करके उनका अर्क निकालती हूँ और वो अपने पेशेंट्स को देती हूँ, उसकी सुगंध उन्हें ठीक होने में मदद करती है। आपके पैर में चोट है, आइए मैं देख लेती हूँ। नहीं, मैं पेशेंट नहीं। एक बार सारी तैयारियां हो जाएं, पेशेंट से भी मिलवा दूंगा, तब तक आप बैठिए। नीलू, मेलनी जी के लिए जूस लेकर आओ।
आप बैठिए, मैं अभी आता हूं। ओके। सर सर मुझे बहुत टेंशन हो रही है सर। सर पूर्वी वहां अकेली और तीन लड़कियों का खून हो चुका है सर, हमने कहीं गलती तो नहीं कर दी उसे वहां बेच के? पंकज पूर्वी एक सीआईडी ऑफिसर है, ये उसका काम है। सर मैं जानता हूं सर, मगर मुझे टेंशन हो रही है सर। सर वो उसे कुछ होगा तो नहीं ना? हम लोग सीआईडी में काम करते हैं, सुबह जब घर से निकलते तो पता नहीं होता कि शाम तक हम लोग घर वापस पहुंच पाएंगे या नहीं। ये खतरों से खेलना, मौत, ये सब हमारे साथ ही है। और पूर्वी खुद ये काम करना चाहती थी। चौथा आदमी कौन है? सर पता नहीं, कार्तिक कह रहा था कि वो पेशेंट से मिलाएगा। ठीक है, नजर रखो। ये लीजिए जूस। अरे जूस मत पीना, जूस मत पीना। ये कैमरा को क्या हो गया? पूर्वी सर, ओह नो, लगता कुछ गड़बड़ है, चलो। डॉक्टर कार्तिक दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो डॉक्टर कार्तिक। सर सर लगता है पूर्वी खतरे में। सर तुम दोनों यहीं पे रुको, अंदर नहीं आना। तो खाली है, कोई नहीं है। पूर्वी यहां इस कॉच पे बैठी थी। सर ये पूर्वी का ईयरपीस, ये पग, पूर्वी का बैग और ये कैमरा, देखो जरा आसपास, पूर्वी यहीं कहीं होनी चाहिए। सर उस तरफ कोई नहीं है, न रामू काका और ना मेड नीलू। और सर यहाँ पे भी कोई नहीं। सब भाग गए यहाँ से, मतलब उनको पहले से पता था कि पूर्वी एक सीआईडी ऑफिसर है। सर सर इस घर के नीचे एक तहखाना है, मैं आपको लेके चलूँ? तुम्हें दयासर ने बाहर रहने के लिए कहा था ना? इट्स ओके, कहाँ पर है तहखाना, हो सकता है वो लोग वहीं छुप के बैठे हो। सर आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए। यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, लगता है सब भाग गए। ऐसे कैसे हो सकता है, हम लोग तो लगातार इस घर के ऊपर नजर रखे हुए थे, हमारे सामने तो कोई बाहर नहीं गया। सर हो सकता है यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता हो,
या फिर फिल्मों की तरह कोई खुफिया सुरंग सर। ए, कौन है वहां? ए, रुक जाओ, कौन हो तुम? देखो घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, हम लोग सीढ़ी से तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। कौन हो तुम? और ये दीप्ति, 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 सब सब ये मेरी बहन है सब, सब 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 ये मेरी बहन है सब। तो फिर डॉक्टर कार्तिक ने तुमसे झूठ क्यों कहा कि मर चुकी? सब मैं नहीं जानती सब, झूठ क्यों बोला? सब सब मुझे बोला गया था कि एक साल पहले दीदी की मौत हो गई है। आपको पता है हमारे पहुंचने से पहले इनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया था। अभी अभी एक हो रहे सर, अगर डॉक्टर कार्तिक की वाइफ जिंदा है तो अपने परिवार वालों से उन्होंने झूठ क्यों बोला कि वो मर चुकी है और उनका इलाज करवाने की बजाय यहाँ बेसमेंट में बंद करके रखा हुआ है? सर मुझे तो लगता है ये जो भी हो रहा है ना वो यही कर रही है। सर लेकिन पूर्वी, पूर्वी कहाँ है? ऐसी नहीं लग रही है कि मैं अकेले यहां से निकल पाऊं। किसी भी तरह दया सर को बताना होगा। हाँ हाँ हो जाएगा, अरे टेंशन नहीं लेने का भाई, सब हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, अरे अबे लड़की किधर गई? फटाफट देख, नहीं मारे जाएंगे, चल। फोन उठाई। हेलो सर, हेलो पूर्वी, तुम ठीक हो? सर ठीक हूँ सर, सर वो कहाँ कहाँ हो तुम? पता नहीं सर, कुछ पता नहीं, ये जगह कहाँ कैसे कहाँ पर है? सर सर मैं ये फोन में छुपा देती हूँ, आप इस जगह को ट्रैक कर लीजिए। पूर्वी, पूर्वी मयूर, एक काम करो, दीप्ति को हॉस्पिटल ले जाओ और पंकज इस नंबर की लोकेशन को ट्रेस करो जल्दी। Thank you.
बस कुछ देर और, उसके बाद ए, देखना कौन है उधर, देख। तो लगा कि ये सबके पीछे ये लोग हैं, तो फिर ये सब कर कौन रहा है? रुक जाओ वरना ये मारी जाएगी। त्रिशा तू? हाँ मैंने किया ये सब, और अब आप लोग मेरे पास मत आना। तुम्हें बहुत बड़ी भूल कर रही है तुम, ये सब करके तुम बच नहीं पाओगी। बच कर तो मैं यहाँ से निकल जाऊंगी, आप सोचिए कि आप लोगों का क्या होगा। आप लोग की मौत का मैंने बहुत बढ़िया इंतजाम किया, इस जगह चारों तरफ डायनामाइट लगे, और अगर आप लोग मेरे पास आए ना एक बार मैं इस जगह को और आप लोगों को उड़ा दूंगी। लेकिन तुमने उन सब लड़कियों को मारा क्यों? डॉक्टर कार्तिक से बदला लेने के लिए। मुझसे क्यों? जो तुमने मेरी दीदी के साथ किया उसकी सजा तो तुम्हें मिलनी थी ना, वो तुम्हारे चंगुल से भागना चाहती थी, नफरत करती थी वो तुमसे, और आपको पता है वो रोती थी इनके सामने, गिड़गिड़ाती थी कि उसको छोड़ दो। लेकिन साथी को जरा सी भी दया नहीं आती थी, बल्कि उनको मारता था, पीटता था, उनको मेंटली टॉर्चर करता था। ये झूठ है, झूठ है ये सब। सच तो यह है कि मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूं। झूठ बोल रहे हो कौन साहब, तुम कोई प्यार नहीं करते थे उनसे, उनको धोखा दे रहे थे, उनको चीट कर रहे थे, और जब उन्होंने तुम्हारी अगेंस्ट आवाज उठाने की कोशिश की तो तुमने उनकी आवाज हमेशा के लिए बंद कर दी। इसलिए मैंने प्लान बनाया और सारी लड़कियों को मार दिया, और ये सीआईडी ऑफिसर को मारने का भी प्लान मैंने बनाया, जिससे सारा का सारा इल्जाम ये डॉक्टर कार्तिक पे जाए। मेरे आदमी उनको बेसमेंट के सीक्रेट दरवाजे से यहाँ तक लेकर आए थे। बहुत साल पहले दीप्ति दीदी ने मुझे सीक्रेट दरवाजे के बारे में बताया था। लेकिन त्रिशा तुम्हारी दीदी अभी जिंदा है,
कार्तिक ने दीप्ति को नहीं मारा है। हाँ, तुम्हारी बहन को बचाने के लिए कार्तिक ने उसे तहखाने में बंद किया था। अगर बचाना चाहता था तो हॉस्पिटल क्यों नहीं लेकर गया? उसको उसको बेसमेंट में मरने के लिए क्यों छोड़ा इसने? क्योंकि मैं नहीं चाहता था किसी के खून के इल्जाम में वो जिंदगी भर जेल के पीछे सड़े। जिस रात एक्सीडेंट हुआ उस रात मेरी बीवी ने मेरी सेक्रेटरी को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर जानबूझकर गाड़ी पहाड़ी के ऊपर से गिरा दी, क्योंकि उसे लगता था कि मेरा मेरी सेक्रेटरी के साथ कोई अफेयर चल रहा है। वो तो बच गई लेकिन सेक्रेटरी की मौत हो गई। क्यों? और तुमने उस सेक्रेटरी को अपनी बीवी बताकर उसका अंतिम संस्कार भी कर लिया। क्यों? सर, मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूं। मैंने उसे ठीक करने की बहुत कोशिश की, जी तोड़ कोशिश की, हर किस्म का इलाज करवाया, लेकिन त्रिशा, तुम्हारी बहन अभी भी जिंदा है। बंद करो ये सब। मैं जेल नहीं जाना चाहती हूँ। आप लोग मुझे यहाँ से जाने दीजिए, नहीं तो मैं पूरी जगह उड़ा दूंगी। सर पूरी बिल्डिंग में बॉम्ब लगा दिया सर, और सबको एक साथ डिफ्यूज करना बहुत मुश्किल है। किशा, देखो। पूर्वी को संभालो जल्दी। पूर्वी चलो चलो यहाँ चलो। तुम अपनी बहन की मौत का बदला लेना चाहती थी जो कभी मरी नहीं। बेवजह इतने लोगों का खून किया तुमने। गुनाह की सजा तो सबको मिलेगी। डॉक्टर कार्तिक, तुम्हें गुनाह छुपाने के लिए, और तुमने तो गुनाह किया है, शायद फांसी होगी तुम्हें। गई वो, अभी तक आई नहीं। कहीं हमें किसी ने बेवकूफ तो नहीं बनाया? नहीं, ऐसा लगता तो नहीं है कि कोई हमें बेवकूफ बनाए। तो फिर वो है कहाँ? यहाँ हूँ मैं। कहाँ है वो? ये रहा। कितना इंतजार करवाया इसने, आखिर मुझे मेरा हार मिल ही गया। तुम्हारा नहीं मैडम, हमारा। इसमें मेरा भी हिस्सा है। तेरा हिस्सा? तू है कौन? हाँ, ये मेरा खानदानी हार है। फिलहाल तो ये मेरे पास है, और आप सब ये मत भूलो कि इसको मैंने ढूंढ निकाला है, और आप सबको मैंने यही शर्त पे बुलाया है कि इसमें मेरा भी हिस्सा पड़ेगा। बड़ी आई हिस्सा मांगने वाली, तू यहाँ से बचकर जाएगी तो तुझे तेरा हिस्सा मिलेगा ना। ये क्या हो रहा है? ये मेरा हार है। ये कौन है? ये तो महारानी कलावती है, पर ये तो 150 साल पहले मर चुकी है। ये वापस कैसे आ सकती है? ये हार मेरा है, और ये सिर्फ और सिर्फ मेरे वारिस को मिलेगा, ना कि तुम लोगों को। नहीं छोड़ूंगी मैं किसी को यहां पर। वापस दे दो मुझे मेरा हार। रुक, मेरा हार मुझे वापस दे दो। बचाओ,
एक मिनट, ये तो मर गई है। हार? अरे अरे हार कहाँ गया? इतनी मुश्किल से तो मिला था हार, और फिर गायब हो गया। सबसे पहले इस लाश को ठिकाने लगा थे। चलो एक काम तो हो गया। हाँ, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये लड़की थी कौन, और इसके पास हमारा ये खानदानी हार कहाँ से आया? इसके बैग में चेक करते हैं। विजिटिंग कार्ड? कविता? कविता! एक्सक्यूज मी प्लीज, आगे जा रहे हैं। सर सांसें चल रही हैं। कविता, कविता, कविता जी, कविता जी, कविता जी, कविता जी, किसने किया ये सब? हैं? वो, हाँ? कौन? 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 हार, 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 हार लेके वो कविता, कविता जी, संभालिए अपने आप को प्लीज। कुछ हार हार बोल रही थी, किस हार की बात कर रही थी आप जानते हैं? सर मुझे नहीं पता सर, किस हार के बारे में बात कर रही थी सर? तो चेक कर लो, है तो ये किसी जान पहचान वाले का काम। पहचान वाला? जी हाँ, दरवाजे पे जबरदस्ती घुसने का निशान नहीं है, सारा सामान वैसा का वैसा है, इसका मतलब जो भी यहाँ आया था कोई पहचान वाला ही था। सो ये देखिए सर, से ये फर्श तोड़ के यहाँ खोद के निकाला गया। ये सब कैसे हुआ है? मुझे नहीं पता सर, मैं खुद पहली बार देख रहा हूँ सर। सर हो सकता है कि यहाँ पर उसी हार को छुपा कर रखा गया जिसके बारे में अभी अभी कविता जी ने बताया। नहीं मैम, ऐसा नहीं हो सकता, हमारा घर बने तो बहुत साल हो गए मैम। हो सकता है सालों पहले वो हार इसमें छुपा दिया गया और आज निकाल लिया गया। आपको किसी पे शक है? कौन कर सकता है ये काम? सर हमारी एक नौकरानी स्नेहा, वो दिखाई नहीं दे रही, मैंने कई बार फोन भी ट्राई किया पर वो उठा नहीं रही। फोन नहीं उठा रही है? आप जरा स्नेहा की कोई फोटो वगैरह दीजिए हमें, इसका मोबाइल ट्रेस करो, पता करो मोबाइल की लोकेशन इस वक्त कहाँ पे है। सीआईडी? सीआईडी यहाँ क्या कर रही है? आप लोगों में से किसी ने भी इस लड़की को यहाँ देखा है? नहीं, हमने तो इस लड़की को कहीं नहीं देखा। कौन है ये? इसका नाम स्नेहा है, इसने एक घर से हार की चोरी की है, और सिर्फ चोरी नहीं की है, उस घर की मालकिन का खून भी किया है इसने। नहीं सर, मैं कुछ भी नहीं पता सर। देखिए हमें ये पता चला है कि वो यहीं पे है। यहाँ? यहाँ वो कैसे आ सकती है सर? ये तो हमारे रिसोर्ट का प्राइवेट सेक्शन है, वो वहाँ उस तरफ गेस्ट एरिया में आई होगी शायद। नहीं नहीं, नहीं। इसके मोबाइल की लोकेशन यहीं इसी एरिया में है। सॉरी सर, इस बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है सर। सो पहले फोन उठा नहीं रही थी, अभी स्विच ऑफ हो गया है। कोई बात नहीं, कहां तक भागेगी? अगर आप लोगों को इस लड़की के बारे में कुछ भी पता चले तो फौरन हमें इन्फॉर्म करिएगा प्लीज। जी जी, जी। सर ये तो टूटा हुआ झूमर लग रहा है। क्या हुआ यहाँ? हमें नहीं पता सर। कुछ तो हुआ है यहाँ पे, क्या हुआ है? नहीं सर,
ऐसी कोई बात नहीं है सर, हम आपसे कुछ भी नहीं छुपा रहे सर। आप नहीं बताएंगे तो हम पता कर लेंगे। सर, रिसॉर्ट का पूरा कोना कोना छान मारा, लेकिन उस लड़की के बारे में कोई सुराग नहीं मिला। कमाल है, फोन की लोकेशन यहाँ पे थी। क्या चक्कर है, लगता है अभी यहाँ पे ताजा ताजा खोदा गया है। सर, वो पेड़ पौधे लगाने के लिए खोदा होगा। अच्छा, खोदो भाई, देखो कौन सा पौधा लगाया गया है यहाँ पे। गले पे निशान कैसा है? तो आपके रिसॉर्ट के प्राइवेट सेक्शन में आदमी को मार के गाड़ने का काम किया जाता है, क्यों? नहीं सर, हमने नहीं मारा इसे। तो कौन है ये आदमी? हमें नहीं पता सर, हम तो इसे जानते भी नहीं। आंटी, क्या हुआ ये सब? आप लोग कौन है? ये सब हमारे ही बच्चे हैं। जरा देखिए इस आदमी को, इस आदमी को पहचानते हैं आप लोग? नहीं सर। नहीं सर। सर, बहुत ही अजीब बात है, हम तो यहाँ स्नेहा को ढूंढने आए थे और हमें एक लाश मिलती है। देखिए, हम सब खानदानी लोग हैं, राज घराने से हमारा वास्ता है, इस खून वून से हमारा कोई लेना देना नहीं। सर, हमारा यकीन कीजिए, हम नहीं जानते कि ये है कौन। आप लोग कहाँ थे अभी? सर, हम लोग रिजॉर्ट के पीछे कैंप फायर कर रहे थे। उसका नाम कबीर है, अंधेरी में रहता है। कबीर, इसके घर चलते हैं। कमाल हो गया, यह आदमी लैब में पहली बार बिना चिल्लाए आया है। हंस भी तो नहीं रहे आज। हाँ, बहुत सीरियस। रात में यह डब्बा, क्या हुआ सर, क्या है इसमें? मेरे हिम्मत नहीं हो रही है बताने। सर बताइए तो आखिर, है क्या इसमें? देख लो, खुद ही देख लो। से भी साहब मैं भी FCID छोड़ दूंगा, नानी काम करूंगा। ACP के बिना काम करने में अब कोई मजा नहीं। जब ACP सर जिंदा थे तब तो आप उन्हें बहुत गालियां देते थे ना? मैंने इसकी कभी कदर नहीं की, बहुत कुछ सुनाया इसे, इतनी चली कटी सुनाई, वो सब आके मेरे सीने में लग रही है। किसी ने सर काट दिया है ACP का, मैं तो सोच भी नहीं सकता कोई ACP का सर कैसे काट सकता है। सोचना आप बहुत दूर की बात है साहब की, सर रखा है ना सामने, इसकी आंख में गोली लगी है, वो गोली ढूंढो और देखो कहां से आई है वो गोली। किसी ने गोली मारी और
पहले गोली मारी और फिर सर काटा। हम लोग सीआईडी से हैं, एक मिनट प्लीज। वो कबीर के बारे में नाम मत लीजिए मेरे सामने आप उसका। वो आदमी मेरा पति कहलाने के लायक नहीं है, धोखेबाज कहीं का, पूरी दुनिया के दांत ठीक कर रहा है और अपना ही घर तोड़ डाला। मन तो करता है कि मैं उसके सारे दांत तोड़ डालूं। तो कबीर डेंटिस्ट है? अरे कहां का डेंटिस्ट, बेवफा तो था ही, अब क्रिमिनल भी हो गया, भाग गया होगा कहीं पे, भगोड़ा। भगोड़ा? वो अपनी उस असिस्टेंट गर्लफ्रेंड के साथ भाग गया होगा कहीं पे। मुझे बोल रहा था कॉन्फ्रेंस पे जा रहा हूँ, लेकिन अब मुझे सब सच पता चल चुका है, मेरे पास सबूत है उसके खिलाफ। अच्छा अच्छा, तो वो आपको बोल के गया है कि कॉन्फ्रेंस जा रहा हूँ और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गया है? अरे और ऊपर से देखे कि अभी तक आया भी नहीं है, अपनी उस गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा होगा कहीं पे। ये उसकी गर्लफ्रेंड कौन है? आप रुकिए, मैं अभी आती हूँ। बाप रे, ये देखिए, यही है वो औरत जिसने मेरा घर बर्बाद कर दिया। छोड़ूंगी नहीं मैं इस औरत को। ये स्नेहा, आप लोग इसे जानते हैं? सर मगर ये तो नौकरानी है। अरे ये नौकरानी नहीं, ये मेरे पति की असिस्टेंट है। एक मिनट, आप आपके पास इसका एड्रेस है? हाँ, मैं अभी लाती हूँ, आप छोड़ना नहीं इसे। कमाल है, स्नेहा के तो बहुत सारे रूप है, पता नहीं अब कितना रूप देखना बाकी है। सर अगर ये कबीर के साथ वहाँ उस रिसोर्ट में गई थी, तब तो इसको वहाँ पे होना चाहिए था। रिसोर्ट भी देखना होगा और इसका घर भी। प्लीज सर, एसीपी साहब की इतनी इंसल्ट मत करो, उनके यहाँ की चीफ और मत करो सर, प्लीज। अरे दया, तुम एक सीआईडी ऑफिसर हो, तुम अपने काम से पीछे नहीं हट सकते हो। प्लीज सर, खूनी को पकड़ने के और भी तरीके हैं, इनके आंख के अंदर से गोली निकाल के खूनी मिलेगा, इसकी कोई गारंटी भी तो नहीं है। अरे ये क्या हो गया है, एक कटा हुआ सिर देखा और बैग गए? आपके दिल में पत्थर भरे, हमारा दिल अभी भी रो रहा है, आपका दिल मर चुका है, हमारे दिल में एसीपी साहब के लिए अभी भी उतनी इज्जत है। डॉक्टर आप हमारे पर हंस रहे हैं? एसीपी, एसीपी सर, आप एसीपी सर पे हंस रहे हैं? और आपको शर्म आनी चाहिए, क्या कर रहे हैं? चलो एसीपी, एसीपी, एसीपी। ये हो क्या गया आपको? रबर है, रबर है, रबर है एसीपी। चित्रोले साहब रबर का चेहरा लेकर के आए। ये चेहरा नकली है? एसीपी चित चित ये कहाँ गए? गए चित्रोले साहब। लेकिन सर जिसने भी ये सर बनाया है बहुत ही बढ़िया बनाया है, एकदम एसीपी सर जैसा। तो अब गोली निकाल करके देखते। राज का? राज, 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 कहीं वो महारानी तो से नहीं ले गई? चलो चल के देखते। क्या चल क्या रहा है यहाँ? आप लोगों ने हमसे झूठ बोला, किसने यहाँ पे नहीं आई थी। चलो अब सबके सब सलाखों के पीछे, वही बताना सब कुछ तुम लोग। सर मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मेरे राज को बचा लीजिए, वो महारानी है ना, उसे लेके चली गई, वो मारने लगी उसे। राज क्या हो गया मेरे बच्चे को? वो मर चुका है। नहीं प्लीज हाथ मत लगाइए, हाथ मत लगाइए। संभालो संभालो। निशान कैसा? ये तो खून पिपास के काटने के निशान लग रहे हैं। सर ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब इसे खून पिपास ने मारा है? नहीं, उस महारानी की आत्मा ने मारा मेरे बेटे को। सब मरोगे, सब मरोगे, किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। कौन सी आत्मा की बात कर रहे हैं? ये देखिए दांतों के निशान है,
अगर कोई आत्मा होती तो ये काटने के निशान नहीं होते। आत्मा तो नहीं होती। नहीं, इसे जरूर कलावती ने मारा। वो यहाँ अपना हार लेने आई थी। सचिन, वो निशान देखो। लगता है जिसकी सिर में मारा है, मारने के बाद इस तरफ गया है। जयवंती, लाश को फॉरेंसिक लैब भेजने का इंतजाम करो। आप लोग प्लीज यहीं रुकिए। ये रोशनी बंद करो। तुम हो कौन? सुनाई नहीं देता क्या? रोशनी बंद करो। फिर तुम लोग कौन हो? जाओ यहां से, जाओ। फ्रेडी, फ्रेडी कौन? फ्रेडी, ये हो क्या गया तुम्हें? होश में आओ, तुम फ्रेडी हो। नहीं नहीं, मैं कौन हूं? तुम सीआईडी ऑफिसर फ्रेडी हो। इस तरह से क्या देख रहे हो तुम? हम लोगों को पहचान नहीं रहे हो? फ्रेडी पहचानो। मुझे खून पसंद है। तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? हो गया क्या तुम्हें? मुझे खून पसंद है। और तुम यहां कैसे पहुंचे? मुझे यही आना था। तुम लोग जाओ। पागल मत बनो। जाओ तुम लोग। चलो मेरे साथ। रेडी? ठीक है, एक मिनट। दांत? सर, ये तो खून पिपास वाले दांत है। ये दांत तुम्हारे पास कहां से आया? ये मेरे दांत है। मुझे दे दो। छोड़ो, मुझे खून पीना है। इसके बिना मैं खून कैसे पीऊंगा? फ्रेडी को हो क्या गया? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। उस राज के गले पे वो निशान और फ्रेडी की हालत, कितने लोगों का खून करवाओगे तुम लोग? बताओ स्नेहा कहां है? तुम लोगों ने हमसे झूठ बोला है, झूठ। और अब अगर तुम लोगों ने नहीं बताया तो ये केस कभी सॉल्व नहीं होगा और तुम लोग की जान भी खतरे में पड़ जाएगी, समझे? अब कोई बताएगा? मैं बताती हूँ आपको, स्नेहा कहाँ है। हम तो खुद इसे नहीं जानते थे, बल्कि इसने हम सबको फोन करके बुलाया था कि हमारा पुश्तैनी हार इसके पास है। बस हम वो हार लेने आए थे और पता नहीं ये महारानी कलावती कहाँ से आ गई। वैसे ये महारानी कलावती है कौन? रिसोर्ट से पहले यहाँ एक महल था और ये महल महारानी कलावती का ही था, जिसको मरे हुए अब 150 साल हो चुके हैं। सर। हाँ जयंती। सही निशान तो ठीक वैसे ही निशान है जैसे राज के गर्दन पे था। ये कैसे हो सकता सर? कहीं फ्रेडी सर? नहीं जयवंती, फ्रेडी नहीं। खून, खून चाहिए। क्या कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? हो क्या गया तुम्हें? मुझे प्यास लगी है। ये पानी नहीं, मुझे खून चाहिए। बैठो, बैठो। दया, फ्रेडी ठीक बोल रहा है, खून इसी ने पिया। ये क्या कह रहे हैं सर आप? हाँ, इन दोनों लाशों की गर्दन पर जो खून पिपास के दांतों के निशान हैं, उनमें जो सलाइवा मिला है उसका डीएनए फ्रेडी के डीएनए से मैच करता है। ये दांत जो हमें फ्रेडी सर के पास से मिले हैं, इनकी लंबाई और इन जख्मों की गहराई दोनों मैच करते हैं। नहीं, ये सब बकवास है, फ्रेडी ऐसा नहीं कर सकता। फ्रेडी लोगों का खून पी रहा है, वो खून पिपास हो गया है। फ्रेडी, 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 डॉक्टर साहब आ जाओ। नहीं, प्लीज फ्रेडी, क्या ये? तुम्हें और कोई सबूत चाहिए? मुझे खून चाहिए, खून चाहिए मुझे। फ्रेडी वाकई में खून पिपास बन गया है। लेकिन कैसे सर? और सालू के साथ ये सब क्या हो रहा है? फ्रेडी तो इन दोनों को जानता भी नहीं, तो फ्रेडी क्यों करेगा ये सब? सबका खून पी जाऊंगा, बहुत
दिनों से प्यास लगी है। दया, इसे सेफ रूम में ले जा। ध्यान रखना इसका, छोड़ना मत, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। एक मिनट, रिसीव साहब का मैसेज, ये तो कटोरी डंटा है। अरे ये जिंदा है? कटोरी जिंदा है। ये सब क्यों? I'm sorry दया, लेकिन sorry बोल दिया तो हो गया? सर आप सोच भी नहीं सकते कि हम लोगों के ऊपर क्या बीती होगी। मैं तुम लोगों के सामने, बाकी लोगों के सामने इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं जानना चाहता था कि एक कटोरी जिंदा है भी या नहीं, और ये सारा प्लान डीसीपी चित्रोले के साथ हमने बनाया था। डीसीपी चित्रोले ये बात जानते थे? कमाल है, आपने एक झटके में हम सबको पराया कर दिया। क्या कह रहे हो दया, इसका भी हो सकता है? ये बात नहीं है। तो फिर क्या बात है सर, बताइए। डीसीपी चित्रोले ये बात जानते थे मगर आपने ये बात हमें नहीं बताई। वो आदमी आपका रबर का चेहरा लेके यहाँ पे आया था सर, हमारी भावनाओं के साथ खेला है सर उस आदमी ने। चित्रोले किस तरह का आदमी तुम अच्छी तरह से जानते हो। असली बात तो ये है कि मैं तुम लोगों को खतरे में डालना नहीं चाहता था। पता नहीं था मुझे कि कटोरी का आखिरी शिकार कौन हो सकता है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि वो जिंदा है भी या नहीं, और इसीलिए डीसीपी चित्रोले के साथ जंगल के शूटआउट का प्लान बनाया, और कटोरी सामने आ गया जिंदा। एक्सक्यूज मी, सुनिए जी, कहिए। ये स्नेहा का घर यही है क्या? हाँ, लेकिन आप लोग कौन है? हम लोग सीआईडी से। स्नेहा ने फिर से कुछ किया है क्या? फिर से? क्या मतलब? 6 महीना पहले ही तो वो जेल से आई थी। वो छोटी मोटी चोरियां करती थी, लेकिन आप ये सब किसी को बताइएगा मत। नहीं, आप घबराइए मत। थैंक यू वेरी मच जी। निखिल, पंकज, ये सारे पैसे छुपा के रखे। तो वीर के घर की फोटो है, घर का ब्लूप्रिंट। ये वीर के घर का नक्शा है। सर ये देखिए, हार काफी महंगा लगता है, देखिए डिजाइन कितना बड़ा है। तो इस हार की वजह से सब हुआ है। काफी पहले से ही सारी प्लानिंग चल रही थी। लेकिन सर उसे इस हार के बारे में कैसे पता चला होगा? किसी ने तो बताया होगा। इसका मतलब है कि स्नेहा के साथ कोई और भी शामिल है इन सबके पीछे। कौन हो सकता था इसके पीछे? ये स्नेहा के फोन का रिकॉर्ड है ना हमारे पास, पता करो कि पिछले 6 महीने में उसने सबसे ज्यादा बार किससे बात की है। इस हार का राज तो फोन नंबर ही बताएगा। क्या बात है सर, सब ठीक तो है? आपने अचानक फ्रेडी को लेकर यहाँ पे आने को कहा? दया, समस्या है। हमें इस रक्त पीपस अटैक का कारण पता चल गया है। आप लोग मेरी परेशानी क्यों नहीं समझते? मैं एक
खून पिपासू हूं, खून चाहिए मुझे। यार सालुंकी, कुछ तो करना पड़ेगा तुझे, इसकी हालत और भी खराब होती जा रही है। सर, मुझसे तो फ्रेडी की हालत नहीं देखी जा रही। सर सचिन, फ्रेडी खून पिपासू नहीं है। दया, दरअसल फ्रेडी के खून में हमें नींद की गोलियों के अंश मिले। हाँ दया, फ्रेडी को नींद की दवाइयां देकर उसे हिप्नोटाइज किया गया है। नींद में उसे यकीन दिलाया गया है कि वो एक खून पिपासू है। फ्रेडी, एक बात बताओ, कब से तुम नींद की गोलियां ले रहे हो? फ्रेडी, एक मिनट सर। सर, भाभी जी तो घर पे है नहीं। फ्रेडी, तुम आजकल खाना कहां पे खा रहे हो? रमेश, मेरा बाबूजी मेरे लिए खाना बनाता है। माय गॉड। सर, ये सीढ़ी बाहर मिलिए। ठीक है, तुम जा सकते हो। जी सर। चलो चला। हेलो एसीपी भाई, तुम लोगों ने मुझे मिस तो नहीं किया? मुझे लगा कि तुम लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया होगा कि उस दिन मैं जेल में बचा कैसे, तो सोचा खुद ही बता दो। याद है दया, उस दिन ये पट्टा मेरे गले में था। ये इंजेक्शन छोटा है लेकिन कमाल का है। इसे इंसान की नब्ज में डाल दो तो धीमी हो जाती है और थोड़ी देर के लिए बंद हो जाती है। मैंने इसका इस्तेमाल किया और साथ ही मैंने गोली चला दी। इसकी आवाज सुनकर तुम लोग अंदर आए और जो कैप्सूल मेरे दिल के करीब था वो मैंने रिमोट के जरिए चला दी। तुम लोगों को लगा कि मैं तो गया। आगे आगे देखो, होता है क्या। वक्त शुरू हो चुका है। टिकटॉक टिकटॉक टिकटॉक। बैठो। रमेश, खून चाहिए मुझे। अरे बैठो इधर। मुझे खून चाहिए। खून चाहिए मुझे। लगता भाग गया सर ये रमेश। ये रमेश भाग कर जाएगा कहाँ? घर की अच्छी तरह से तलाशी ले लो, देखो क्या वो चीज मिलती है क्या जिसकी वजह से फ्रेडी की ऐसी हालत हो गई। सर, ये किचन के डस्टबिन में से नींद की दवाई मिली है। लगता है फ्रेडी सर को ये दवाई दी गई है। लेकिन सर, ये पता कैसे चलेगा कि किस चीज से हिप्नोटाइज किया गया इसे? सर, फ्रेडी के कमरे से ये खिलौना मिला है। इसमें से तरह तरह की आवाजें हो रही है सर। आपने मुझे मारा सर? तुम होश में आ गए? अभी भी कान में घंटियां बज रही है। अरे यार, क्या करता तुम काटने लगे थे? अरे सर, ये हथकड़ियां तो खोलो। थैंक यू सर। फ्रेडी, ये खिलौना किसने दिया तुम्हें? रमेश ने, मेरे बावर्ची ने। सर, वो दामिनी यही रहती है जिसने स्नेहा को सबसे ज्यादा कॉल्स किए थे। सर, यहाँ तक कि वो हार चोरी होने के कुछ घंटों पहले भी दोनों की बात हुई थी। सर, वो रहा उसका घर। ये वाला।
घर तो खुला हुआ? कौन है? कामिनी जी? कौन है? कौन है बेटा? हम लोग सीआईडी से हैं, हमें दामिनी से मिलना है। मैं ही दामिनी हूँ। क्या? आप दामिनी हैं? हाँ बेटा। आप किसी स्नेहा को जानते हैं? कौन स्नेहा? दामिनी जी, आपके फोन से सबसे ज्यादा बार कॉल स्नेहा को की गई और आप स्नेहा को नहीं जानती? मैं नहीं जानती। देखिए स्नेहा एक औरत थी जो किसी महारानी कलावती का हार लेके भागी थी, अब उसकी भी मौत हो गई है। क्या? वो हार उसके हाथ लग गया? नहीं, 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 नहीं। एक मिनट प्लीज, आप शांत हो जाइए। दामिनी जी एक मिनट संभालिए अपने आप को। आप उस हार के बारे में कैसे जानती हैं? मेरी बेटी को बचा लो, उसी ने फोन किया होगा और स्नेहा को वो हार चुराने के लिए कहा होगा। मैंने उसे कहा था ये हार उसकी जान ले लेगा। प्लीज शांत। ये कौन है आपकी बेटी और ये हार का क्या चक्कर है? मेरी बेटी रूपा उस हार की असली वारिस है। वो रानी लीलाबाई की बेटी है, लीलाबाई महारानी कलावती की पोती है और मैं उस लीलाबाई की दासी थी। कुछ लोगों ने रानी लीलाबाई को उसकी रियासती संपत्ति के लिए उसकी हत्या कर दी और वो हार भी वही लोग चुराना चाहते थे। तो वो हार लीलाबाई के बाद रूपा को मिलने वाला था? हाँ बेटा, जब रानी को पता चला कि कुछ लोग उस हार को चुराने वाले, उसने वो हार कहीं छुपा दिया और अपनी बेटी रूपा को मुझे सौंप दिया ताकि वो जिंदा रह सके। तो ये रूपा रानी लीलाबाई की बेटी है जिसे आपने पाला है? रानी साहिबा ने मुझसे कहा था कि मैं उसे दुनिया की नजरों से बचा के पालूं और जब मैं बड़ी हो तो उसे सब कुछ बता दूं। मैंने उसे बता दिया कि वो एक राजकुमारी है और कैसे उसके रिश्तेदारों ने उसकी माँ की हत्या कर दी और उसके पूर्वजों की सारी संपत्ति को हड़प लिया। बेटा, अच्छा तो आप रूपा अपने उन खूनी रिश्तेदारों से बदला लेना चाहती है, इसीलिए ये सब हो रहा है। रिसॉर्ट में जितनी फैमिली है उन्होंने ही लीलाबाई को मारा है। अरेस्ट करो सबको और इस रूपा की फोन की लोकेशन ट्रेस करो, पता करो इस वक्त कहाँ है, उससे जल्द से जल्द मिलना होगा। ऐसे नहीं, पहले मेरे हिस्से के 50% मुझे दे। अपनी हद में रह, जितने पैसे तय हुए थे उतने तुझे मिल जाएंगे। बातें तो बहुत होती है सुहानी मैडम, इस वक्त ये हार मेरे पास है तो सौदा भी अब मेरे हिसाब से होगा। पता था मुझे हार देखकर तेरी नीयत फिसलेगी जरूर। चल हार निकाल, मैं भी पूरी तैयारी से आई थी। जल्दी हार निकाल। मुझे माफ कर दीजिए सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं बेगुनाह हूं सर। चुप!
फ्रेडी के बावर्ची रमेश, तुमने ही फ्रेडी को नींद की गोलियां खिलाई ना? खराब राजकुमारी सुहानी जी उर्फ रूपा, जेल जाने की तैयारी करो, तुम्हारे बारे में तो हम सब कुछ जान गए अभी। हाँ सर, मैंने किया ये सब, महारानी की आत्मा के पीछे भी मैं ही हूँ। मैंने महारानी का मुखौटा पहन के सबको डराया और फिर उसे मार दिया। नहीं सर, मैंने किसी को नहीं मारा। नेहा मरने वाली है और गले पे दांत के निशान के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो बस उन लोगों को सबक सिखाना चाहती थी जिन लोगों ने मेरी माँ पे अत्याचार किए। तुमने नहीं मारा तो फिर किसने मारा? फ्रेडी को किसने फंसाया? हम जानते हैं कि डॉक्टर कबीर जो कि एक डेंटिस्ट था उसका इस्तेमाल किया तुमने और वो नकली खून पीने वाला दांत बनवाया और उसके बाद तुमने डॉक्टर को मार दिया ताकि ये राज किसी के सामने ना आए और फिर उतनी ही चालाकी से तुमने राशि खानदान के बच्चों से दोस्ती की और उनसे घुल मिल कर तुम यहाँ पर आई ताकि तुम महारानी के वेश में बड़ी आसानी से सबको मार सको। क्यों, ये सब तुम्हारा ही किया धरा ना? मेरे साथ कोई और भी शामिल है? हाँ सर, और उसने हमसे झूठ भी बोला कि वो इस परिवार से बदला लेना चाहता है। कौन है वो? लड़की मार दी? जी सर। नेकलेस? जी सर। गुड, वेरी गुड। सॉरी, काम खत्म, आदमी खत्म। कटोरी डमटा, ये सारा किया कराया तुम्हारा है और वो भी इस हार के लिए? हाँ, क्योंकि ये मेरा है। ये हार तुम्हारे किसी काम का नहीं है, हमारे पास तुम्हारे लिए एक हार है। हार तुम्हें यहीं पे दूं या ब्यूरो में? कोई ना कोई चाल तो जरूर चलेगा। अब कोई और भी चाल बची है ना तो खेल लेना जल्दी, क्योंकि तेरा बाप का घड़ा भर चुका है। तो अब देख तेरा क्या असर करते हैं हम लोग। और हाँ, बुरा वक्त अब तेरा शुरू हो गया है। What is it? टिक टॉक, टिक टॉक, टिक टॉक। कोई बात नहीं, ये राउंड सीआईडी ने जीता। लेकिन क्या है ना कि तुम लोग समझ भी नहीं पाओगे कि मेरा अगला दाव कब और कहां पड़ेगा। इसलिए अगला राउंड मैं ही जीतूंगा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।